करता हूँ ठीक है। तो आप देख रहे हो आपका अपना चैनल क्यूआर ब्लॉग। तो क्यूआर ब्लॉग में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो गाइज आज मैं आया हूँ मुंगेर ब्रिज पे। जैसा कि आपको मालूम है कि 16 जनवरी आज है, तो आज मैं मुंगेर ब्रिज पे आया हूँ। आज देखता हूँ कि 16 जनवरी को ब्रिज क्यों नहीं ओपनिंग हुआ। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और मैं आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जानकारी जो है उस वीडियो में देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, फुल वॉच कीजिए। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं कुछ ना कुछ जानकारी आप लोग के लिए लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ब्रिज पे हम लोग आ चुके हैं और अभी आगे चल रहा है हमारा दोस्त लोग जो है। और आप देख सकते हैं उस दिन जो ये रेलिंग का काम हुआ था, आज भी थोड़ा सा मतलब काम आगे बढ़ा है, थोड़ा सा काम हुआ है। तो अभी चलते हैं, जानकारी लेते हैं कि ब्रिज आज 16 जनवरी को क्यों नहीं ओपनिंग हुआ, क्या रीज़न था, क्या कारण था, क्यों नहीं ओपनिंग हुआ, तो ये चीज़ का जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है 16 तारीख को ब्रिज ओपनिंग होने वाला था 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी से डेट डिले हो रहा है, मैं भी मालूम नहीं अभी तक, पता नहीं शाम तक कुछ भी हो सकता है। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं कुछ ना कुछ आपको, और आप बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। तो मिलते हैं आगे चलते चलते। और आप देख सकते हैं सामने कुछ ऐसा ब्रिज का लुक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्रिज में मतलब फिनिशिंग जो है काफ़ी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा फिनिश नहीं हुआ ब्रिज। तो आप लोग बने रहिए, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आगे चलते चलते और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो जरा भी स्किप मत कीजिए। आपको ब्रिज नीचे से कुछ ऐसा दिख जाएगा और आपको मैं इधर से दिखा दूँ तो इधर से भी आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, ब्रिज देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं आगे और कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा इस वीडियो में जानकारी देते। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां पे कल ढलाई का काम नहीं हुआ था, जहां पे मिक्सर मशीन काम कर रही थी। अगर जो आप लोग वो वीडियो 15 जनवरी का नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अभी मैं चलता हूँ उस जगह पर और देखता हूँ कि उस जगह पर ढलाई हुआ है नहीं हुआ है। और अभी मैं उस जगह पर पहुँचने वाला हूँ। गाइस आप देख सकते हैं वहाँ जो आपको दिख रहा हुआ बिना पेंट किया हुआ, वो चीज़ का काम कल नहीं हुआ था और आज ढलाई हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है वो चीज़। तो आप देख सकते हैं। तो अभी मेरे साथ यहाँ पे जो 24 घंटा तैनात रहते हैं यहाँ पे गार्ड साहब, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका डेट जो है ब्रिज का चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है आखिर, तो ये हमारे गार्ड साहब बताएंगे। तो बताइए गार्ड साहब, तो ब्रिज का जो ओपनिंग डेट था 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी से क्यों चेंज हो गया डेट, 16 जनवरी को क्यों नहीं ओपनिंग हुआ? 16 जनवरी को इसलिए नहीं हुआ कि काम कुछ उस पार में है ना मुंगेर में, अच्छा छोटा छोटा पुलिया बचा है एक दो, अच्छा उसी कारण रुका है। इस पार तो काम फाइनल हो गया, अच्छा खगड़िया तरफ, अच्छा जो भी बचा है मुंगेर तरफ, यानी मुंगेर तरफ काम कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब उधर का काम अभी चल ही रहा है, छोटा छोटा पुलिया जो है वो सब का काम अभी कंप्लीट है, मतलब ढलैया उलैया नहीं हुआ है ना। और अभी आपको ओपनिंग डेट कब है ये मालूम है? अभी कोई डेट नहीं अथी हुआ फाइनल, अच्छा किस डेट में आके अथी उद्घाटन करेंगे, अच्छा अब जिस ऐसे तो 31 जनवरी जो है, अच्छा ओपनिंग डेट रखा गया है मतलब। और ये डिले क्यों हुआ ये आप बता सकते हैं? वही कामे के कारण जो है, काम कुछ बचा है इसीलिए। अच्छा कामे के कारण डिले हुआ है यानी। और जहाँ तक कुछ सुनने में आया कि सीएम नीतीश कुमार जी जो हैं उनको भी थोड़ा सा, उनका भी तबीयत कोरोना हो गया है, तो उनका भी तबीयत डाउन है, तो इनके कारण डिले हो सकता है ये भी, विशेष कर कर वही उन्हीं के कारण जो है उनको कोरोना हो गया, मतलब सेहत ठीक नहीं है, इस कारण जो है डेट बढ़ गया। चलिए हम लोग भी आशा करते हैं कि हमारे सीएम साहब नीतीश कुमार जी जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये ब्रिज को आके ओपनिंग करे। तो आप लोग बने रहिए और अभी हम चलते हैं आगे और ये वो काम कहाँ तक पहुँचा है तो देखते हैं। मैं भी यहाँ के गांव वाले जो भी मिलते हैं यहाँ से, तो उनसे मैं कुछ पूछने का राय लेता हूँ। तो अगर जो आप लोग चाहते हैं उस पार का वीडियो, तो उस पार मैं जाके आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कल, जैसा कि मैं आपको दिखाया था कि इस जगह पे कल मिक्सर मशीन यहाँ पे काम कर रही थी और ये ढलाई का काम कम्प्लीट नहीं हुआ था, तो ये नाइट में कम्प्लीट हुआ है ढलाई का काम, ये देख सकते हैं अभी। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं कुछ, आज जो भी है गांव वाले आदमी उनसे मैं पूछता हूँ, उनसे राय लेता हूँ कि आखिर ये ओपनिंग कब तक होगा और उनमें उत्साहित
कितना है, मतलब खुशी कितना है उनके पास ब्रिज ओपनिंग होने को लेके इस विषय में। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं। और अगर जो आपको उस पार का वीडियो चाहिए इस ब्रिज का, तो मैं उस पार का भी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। सो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ब्रिज 16 जनवरी को ओपनिंग होने वाला था, उस डेट के कारण यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ी है। उस पार का भी आदमी इस पार आ रहा है, इस पार का भी आदमी उस पार जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, सामने आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं भी, गाड़ी तो मेरा उधर पार्क है, तो आप जानते ही हैं कि इधर चोरी का संभावना ज़्यादा, इसके लिए मैं उस पार नहीं जा पा रहा हूँ। तो कल इसका कोशिश करता हूँ उस पार जाने का, उस पार जाके वीडियो बनाता हूँ कि उस पार कहाँ तक काम कम्प्लीट हुआ है। अगर जो काम कम्प्लीट हो गया तो ब्रिज क्यों नहीं ओपनिंग हुआ, ये चीज़ मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे अभी मैं जा रहा हूँ आगे, और आगे जो है काफ़ी मतलब भीड़ उमड़ पड़ी है। उस पार का भी आदमी इस पार, और आप देख सकते हैं आगे सामने से एक बंदा जा रहा होगा साइकिल से। तो अभी चलते, सो है गाइस, आपको दिख रहा होगा कि अभी हम गंगा नदी के बीचों बीच आ चुके हैं। काफ़ी दूर पैदल चल के देख सकते हैं आप, पीछे काफ़ी भीड़ ही है, हर जगह आपको भीड़ ही नज़र आएगी, मतलब भीड़ काफ़ी उमड़ पड़ी है। और आप देख सकते हैं ब्रिज का कुछ साइड से ऐसा लुक आता है, और आपको थोड़ा सा डाउन करके मैं दिखा देता हूँ। तो ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है डाउन पर, देख सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर है। और पता नहीं ये ओपनिंग क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी तो आपको दिया ही हूँ मैं, गार्ड साहब से पूछा हूँ। तो अभी देखिए, और यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से भी ब्रिज आपका कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस, आप लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो एंजॉय किया होगा, आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पे अगर जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेल आइकन सब्सक्राइब बटन, तो उसको प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, बेल आइकन प्रेस करने से कि जब नया वीडियो लेके आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।